नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य गिरी और आप देख रहे हैं बीइंग सैवेज। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कोई भी व्हाट्सएप के मैसेज जो आप किसी को भी भेजते हैं, वो आप वो मैसेज पढ़ लेंगे, पर जिसने आपको भेजा है उसको ये बात नहीं पता चलेगा कि आपने मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मतलब नहीं पढ़ेगा, उनको ये लगेगा कि आपने मैसेज नहीं पढ़ा है। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपली व्हाट्सएप अपना ऑन खोल लीजिए, सेटिंग में जाइए और अकाउंट में जाइए, प्राइवेसी में जाइए, एंड देन रीड रिसीप्ट्स को आप उसको डिसेबल कर दीजिए। आप जैसे ही रीड रिसीप्ट को आप डिसेबल कर देंगे, आपको अगर किसी ने भी कोई भी आपको मैसेज भेजा तो उनको ये बात नहीं पता चलेगा कि आपने वो मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, ये एक टिप है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वाइडजस्ट में जाइए, जो ज़्यादातर हरी फोन में सब फोन में होता है, वाइडजस्ट में जाइए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप को लीजिए और यहाँ होम स्क्रीन पे इसको प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूँ कि किसी ने मैसेज भेजा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वो होली के कुछ मैसेजेस आए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब मैसेज आए हैं और मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ। देखा दोस्तों, तो इससे जिसने भी आपको भेजा है इससे उसको नहीं पता चलेगा कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दोस्तों, ये एक दो ट्रिक थी जिसे आप आसानी से कर सकते हैं कभी भी। ये इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, उस टाइम हुआ नहीं, ये हो गया डिसेबल। अब अगर मैं किसी को मैसेज भेजूँ या कोई भी मुझे मैसेज भेजे तो ये बात नहीं पता चलेगा उसको भी मुझे भी कि मैंने ये मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, शुक्रिया बीइंग सैवेज को। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ दोस्तों। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़, थैंक यू। I'm out.